है उसकी बताने की कहाँ आवश्यकता। सर हितेंद्र जी, क्या पंकज जी आपसे बात करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप मुजफ्फरनगर से आए हैं सहारनपुर में, एक तरह से सहारनपुर में भी काफी अनुदान है, लेकिन मुजफ्फरनगर की आपको देख करके मुजफ्फरनगर से भी काफी उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आदरणीय राकेश शर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भूदेव के संदर्भ में उन्होंने बताया कि एक SMI बीमारी है, SMA Type 1 जो गंभीर बीमारी है, उससे भूदेव नाम का बच्चा ग्रसित है। मैं बच्चे से मिला तो बहुत प्यारा बच्चा है, मन करा कैसे गोद में खिलाते रहें, और इससे मिलकर के हर आदमी चाहेगा कि ये अपना जीवन पूरा करे। और 17.5 करोड़ का अमाउंट भी बड़ा है, एक बड़ी चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि हम समाज का एक एक व्यक्ति मेरे जैसा ही सोचता है, हर बच्चे का चाहता है कि उसका जीवन पूरा हो, अपनी तरफ से प्रयास करके इस बच्चे को बचाने का काम करें। सर आपने भी अभी वेतन दिया, आखिरकार अभी भी बात कर रहे थे कि अभी भी ऊपर भी हम कुछ बात करने वाले इसके लिए, बच्चे के लिए, कि कुछ सहायता और हो सके। विधायक के रूप में जो भी मुझे मिला ईश्वर की कृपा से, जनता की वजह से मिला, और जनता चाहे यहाँ की हो चाहे वहां की हो, अगर मैं जनता में एक इस अजीब बीमारी से ग्रसित बच्चे की, जनता के एक बच्चे के, अपने परिवार के इस बच्चे की मदद नहीं कर पाऊंगा तो क्या फायदा। इसीलिए मैंने अपने एक तनख्वाह जो मैंने छोटी सी घोषणा की है उसको मैं करूंगा इस बच्चे की मदद करने का।